पहले आप लोग को एक 7-Up का ग्रीन बोतल इसी तरह लेनी होगी। मेरी तरह आप भी इसे छोटे छोटे पत्तों के साइज में काट लीजिए। इसी तरह छोटे बड़े साइज के 8 या 10 पत्ता बनाइए। इसके बाद हम एक ही साइज के 5 पीस पतला तार लेंगे, उसको अच्छी तरह से सेलो टेप मार देंगे ताकि अपने चोट न लगे। इसी प्रकार तार को हम ढक्कन के चारों ओर अच्छी तरह से चिपकाएंगे समान दूरी पर। तार के चारों ओर हम टेप से बांधेंगे ताकि पेपर देने से अंदर नहीं घुसेगा। अब इसमें हम थोड़ा सा फेविकॉल का यूज़ करेंगे। फेविकॉल में डुबो कर पेपर को इसी तरह आपको चिपकाना है बारीकी से। उसके बाद फिर ऊपर में एरेस्ट पेपर, और ऐसे लगातार आप पूरी तरह पेपर से ढक दें ताकि लगे नहीं कि ये पेपर का बना हुआ है। अब हम इसके ऊपर टिश्यू पेपर का यूज़ करेंगे कलर देने के लिए। टिश्यू पेपर का कलर अच्छा होता है, तो पूरी तरह इसमें टिश्यू पेपर से ढक दें। पहले हम ऊपर वाला हिस्सा को टेप से अच्छी तरह से बांध लेंगे, उसके बाद एक एक पत्ता को अच्छी तरह से चिपकाएंगे। तो जल्दी जल्दी हम पत्ता चिपका रहे हैं। आपको बार बार टेप को काटने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में सब लपेट दीजिए। अब इसको भी हम पेपर की मदद से अच्छी तरह से ढक देंगे। यह पेड़ का निचला हिस्सा है। अब आया मेन पॉइंट। अब इसमें आपको बारीकी से कलर करना है। आप ऐसे भी कलर कर सकते हैं या इससे अच्छा भी कर सकते हैं। कुछ देर सूखने के बाद ये पूरी तरह टाइट हो चुकी है। अब इसमें हम बारीकी से ब्लैक कलर करेंगे। जल्दी जल्दी आप लोग भी कलर कीजिए। अब इसको भी हम अच्छी तरह से कलर कर लेंगे। अब हम इसको एक साथ जोड़ने वाले हैं। चलिए गाइस जल्दी इसको फिट करते हैं।
और ये हमारा पूरी तरह बन चुका है कोकोनट ट्री। गाइस कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।